हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमिक क्लासेस। हाँ जी स्टूडेंट्स, किवें हो? उम्मीद है तुसी वधिया होवोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपां गल कर रहे हैं पंजाबी दी ते सी टेट जां पी टेट दे लई। देखो जिहड़ी फस्ट क्लास आपां लाई आ उहदे विच आपां 2011 दे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिहड़े एग्जाम दे विच आए ने उह आपां डिस्कस कर चुके हैं इस तों पहलां वाली क्लास दे विच। हाँ जी स्टूडेंट, देखो जी आप एक क्लास दे विच डिस्कस करना है वो है वाक। देखो वाक की है जां वाक दीआं किस्मां, है ना। देखो सधारण वाक, संयुक्त, मिश्रित, आप सारा कुछ ये डिस्कस करांगे। पहला तो आपां नूं इह पता होना चाहिए वाक की है। देखो स्टूडेंट, जदों आप व्याकरण वाला अध्याय किया, व्याकरण दे विच आप सारा कुछ किया होया, इह उहदे विच आप वाक ते धुनी बारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बट हुण चलो आप फिर अपनी इस वीडियो दे विच, अपने इस टॉपिक दे विच वाक ते वाक बनतर बारे, वाक वटांदरे बारे पूरा डिस्कस करांगे। हाँ जी स्टूडेंट, देखो अज दा जिहड़ा टॉपिक अपना वह वाक, ठीक है जी। वाक की हुंदा है? सब तो पहला आपां नूं इह होना चाहिए वाक की है, ठीक है जी। देखो वाक है जिहड़ा इह भाषा की सब तो वड्डी इकाई हुंदा है ते सब तो छोटी इकाई हुंदा है धुनी, ठीक है जी। देखो हाँ जी, भाषा दी सब तो छोटी इकाई इकाई धुनी है। सार्थक धुनियां दे मेल तो, सार्थक धुनियां दे मेल तो शब्द बनता है ते शब्दां दे मेल तो वाक वाक बनता है। वाक भाषा दी सब तो वड्डी इकाई है। देखो स्टूडेंट्स, भाषा दी सब तो छोटी इकाई धुनी है। सार्थक धुनिया दे मेल तो शब्द बनता है ते शब्दां दे मेल तो वाक बनता है। देखो जिवें आ, देखो धुनी है राम, ठीक है। आ देखो इन्हां नूं आपस च जोड़त्या शब्द बन गया राम, ठीक है। हुण देखो शब्द है राम बाजार जा रहा है। देखो ये अलग अलग शब्द है, ए शब्द अलग है, ए अलग है, ए अलग है, ए अलग है, दैन ए अलग है। बट जदों आपां इन्हां नूं जोड़दे हां राम बाजार जा रहा है, ये बन गया वाक, ठीक है। देखो धुनिया दे मेल तो बनिया शब्द ते शब्दां दे मेल तो बनिया वाक। हुण जिहड़ा वाक है इह भाषा दी सब तो वड्डी इकाई है, ये वाला क्वेश्चन है जिहड़ा एग्जामिनर वल्लों अक्सर पूछ लिया जांदा है। ते आपां इह इस दे उत्ते पहलां भी जिहड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उह बना चुके हां वी भाषा दी सब तो वड्डी इकाई की है, ओह पे है वाक ते सब तो छोटी इकाई धुनी, ठीक है जी। हुण स्टूडेंट जिस तो आपां नूं वाकां बारे जानकारी मिले, ठीक है, वाक रचना बारे जानकारी मिले, वह सारे नूं आपां कहिंदे आ वाक बोध, ठीक है जी। हुण जिहड़ा वाक है स्टूडेंट्स इह बनतर दे पक्खों, ठीक है जी, वाक देखो वाक बनतर
ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਦੈਨ ਮੇਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ, ਦੈਨ ਥਰਡ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਕ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਰਤਾ, ਕਰਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਦੇਖੋ ਰਾਮ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਮਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਖਾਣ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਮਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਣਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਿਆ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ
अधीन ना होवे, किसे दे अधीन ना होवे ते उस विच एक ही किरिया होवे, उस नूं साधारण वाक कहा जाता है। हाँ जी देखो स्टूडेंट्स, जेड़ा वाक इकला विचरण की समर्था रखे ते किसे दे अधीन ना होवे, उस विच एक ही किरिया होवे, उसनू आपां साधारण वाक कहने आ। जिवें देखो बाजार जाके सब्जी खरीद लो, ठीक है जी, इधर आके घर दा कम करो। राम ने सेब खादा, संदीप साइकल चला रहा है। हाँ जी स्टूडेंट, देखो इस विच राम जाके बाजार जाके सब्जी खरीद लो, इधर आके घर दा कम करो, राम ने सेब खादा, संदीप साइकल चला रहा है। हुण स्टूडेंट्स देखो, चार सेंटेंस ने, ये चारों दे चारों जेड़े ने यह साधारण वाक ने, क्योंकि इन्हां दे विच इको ही किरिया ते यह अपनी लग तो होंद है जेड़े ओह बरकरार ने। हुण देखो राम ने सेब खादा, सेब करता हो गया, खादा हो गया किरिया, संदीप साइकल चला रहा है, चलाना की हो गया किरिया, साइकल हो गया कर्म ते संदीप हो गया करता, इधर आके घर दा काम करो, बाजार जाके सब्जी खरीद लो, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो आ जिहड़े शब्द ने ना, इन्हां नूं आपां साधारण वाक कहने आ। इन्हां दी अपनी एक अलग तो होंद है, यह किसे दे अधीन नहीं हैगे। हुण अगे आपां गल करदे आ संयुक्त वाक दी। संयुक्त वाक जिस विच दो जा दो तो वद सुतंतर वाक इकट्ठे होन ते ओहो दो, जिस विच दो या दो तो बाद स्वतंत्र वाक इकट्ठे होन जा, हाँ जी होन जा दो तो वद या दो तो वद उपवाक
इकट्ठे आउन ता उहना नू संयुक्त वाक कहा जांदा है। एहे दोवें वाक स्वतंत्र विचरण दी समर्था भी रखते होण। हाँ जी स्टूडेंट, देखो जिस विच दो या दो तो बाद वध स्वतंत्र वाक इकट्ठे इकले नहीं इकट्ठे होण जा दो या दो तो वध उपवाक इकट्ठे आउण ता उहना नू संयुक्त वाक कहा जांदा है। यह दोवें स्वतंत्र विचरण की समर्था भी रखते हैं। स्टूडेंट्स देखो इन्हों स्वतंत्र भी अलग इन्हों कह दो अलग अलग भी कर सकते। देखो जिमें कंजूस भी है ते चलाक भी, ठीक है जी। उस तो बाद देखो चा वी पियो ते खाना वी खा लो, ठीक है जी। अगे देखो प्रिंसीपल श्याम जी स्कूल आए अते उहना भाषण दिता। हाँ जी स्टूडेंट, देखो डेफिनेशन ध्यान ना, देखो जेड़ा दो या दो तो वध स्वतंत्र वाक जा उपवाक जो इकट्ठे आन ते जेड़ा नवा वाक बनता उनू कहा जांदा आप या स्टूडेंट संयुक्त वाक, ठीक है। संयुक्त वाक दे जेड़े वाक ने ओह स्वतंत्र विचरण की समर्था भी रखते ने। जिमें देखो ओह कंजूस भी है, आ देखो आ इत्थे खत्म हो गया, वह कंजूस है। आ देखो आ की है, ये योजक है जिहड़ा दोहां नू जोड़ रहा है, ठीक है जी। ते चलाक भी है, ठीक है जी। चा भी पियो ते खाना भी खा लो। प्रिंसीपल श्याम जी स्कूल आए अते उन्होंने भाषण दिता। हाँ जी स्टूडेंट, देखो यह दोवें जेड़े ये देखो ये सारे सेंटेंस ने यह योजकां दे नाल जुड़े हुए ने, ठीक है। पर इन्हां दी अपनी होंद भी हैगी है, जे देखो ओह कंजूस है जा ओह कंजूस भी है। ये देखो ये जिहड़ा वी है ना, ये नाल पता लग रहा है भी सैकेंड सेंटेंस है कोई। देखो चाह भी पियो ते खाना भी खाओ, आ देखो आ वाक बने, आ उपवाक सी आ वाक। प्रिंसीपल शाम जी स्कूल आए इत्थे तक ठीक है, लो एक वाक बन गया। फिर देखो अते उहना भाषण दिता, उहना भाषण दिता, प्रिंसीपल जी ने भाषण दिता। दैन देखो आह जिहड़ा सारा यह बन गया संयुक्त वाक। स्टूडेंट्स ज़्यादातर बच्चे संयुक्त ते मिश्रित वाक दे विच कन्फ्यूज़ हो जाने हैं, उन्हां नू उत्थे डाउट्स
कह लो मन दे विच आ जांदा है भी ये संयुक्त है क्या मिश्रित है, वो डाउट्स किस तरह क्लीयर करने ने। स्टूडेंट्स ये याद रखो भी जो दो या दो तो वध वाक आउण ना, चाहे वाक होण चाहे उपवाक होण, ठीक है, पर वह अपनी स्वतंत्र होंद बरकरार रखते होण, किसी एक दूजे ते डिपेंडेंट ना होण, ते ओह योजकां दे नाल जुड़े होण, उन्हां नूं आपां कहिंदे आ आप संयुक्त वाक। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आ देखो जिवें ओह कंजूस भी है ते चलाक भी है, चाह भी पियो ते खाना भी खाओ। प्रिंसीपल शाम जी स्कूल आए अते उन्होंने उन्हां भाषण दिता। आ देखो यह सारी दी सारी संयुक्त दी डेफिनेशनस ने, संयुक्त दी एग्जाम्पल है डेफिनेशनस है। हुण देखो सुन सके है मिश्रित वाक, हाँ जी स्टूडेंट थर्ड है अपना मिश्रित वाक। मिश्रित वाक हाँ जी स्टूडेंट, जिस वाक विच प्रधान उपवाक ते अधीन उपवाक होण, ते अधीन उपवाक योजकां दे नाल प्रधान उपवाक दे नाल इस तरह जुड़न कि ओह प्रधान उपवाक दा ही हिस्सा लगन उस नूं मिश्रित वाक कहा जांदा है। हाँ जी स्टूडेंट देखो जिस वाक दे विच एक प्रधान उपवाक होवे ते एक या एक तो वध अधीन उपवाक होवे। देखो स्टूडेंट से जरूरी नहीं हैगा भी प्रधान वाक एक ही होवे, एक तो वध भी हो सकता, ठीक है जी। देखो जे मैं सिंपल भाषा दे विच थोनू समझावां जां सिंपल भाषा विच कहां तां एक जिहड़ा वाक है ना, जिहड़ी एक लाइन है कह लो वाक दे विच एक तो वध लाइनां होणगीआं, ठीक है, ठीक है, दो सेंटेंस होंगे दो तो वध भी हो सकते हैं, तो एक दे उत्ते बाकी जिहड़ी लाइन है दूजी दी लाइन है ना, जिहड़ी दूजा सेंटेंस है हाफ सेंटेंस कह लो ओह डिपेंडेड होएगा, उहदी स्वतंत्र होंद है जिहड़ी ओह नहीं होएगी, उसनू आपां फिर मिश्रित वाक कहांगे। देखो स्टूडेंट जिहड़ा स्वतंत्र वाक अपना संयुक्त वाक है, संयुक्त वाक दे विच तां दो उपवाक दो वाक वो योजकां दे नाल जुड़े होंदे ने ते दोहां दी अपनी अपनी स्वतंत्र होंद हुंदी है, ठीक है जी। ते इस दे विच प्रधान उपवाक हुंदा है ते अधीन उपवाक हुंदा है, ते नाल दूजी इह गल है इस दे विच एक तो वध क्रियावां हुंदियां ने, एक तो वध क्रियावां वी हो सकदियां
हाँ ना, देखो जरूरी नहीं हैगा भी होन गया, बट पॉसिबिलिटी है हो सकदियां ने। देखो जिवें ओहो विद्यार्थी पास होंगे जो विद्यार्थी मेहनत करन के। हाँ जी स्टूडेंट, देखो ओहो विद्यार्थी पास होंगे। हुण जे इह कहां इह केड़ा वाक है स्टूडेंट्स? आह मिश्रित वाक है। ओहो विद्यार्थी पास होंगे जो मेहनत करनगे। देखो आ है ना जेड़ा जो मेहनत करनगे, आह प्रधान वाक इह अधीन वाक है। अधीन आ वाला आ इन्ना क हिस्सा ਇਹ ਅਧੀਨ ਵਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਕ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਕ ਮਿਟੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। इस तरह स्टूडेंट्स आह जेड़ा मिश्रित वाक है, ठीक है जी। हुण देखो अगे सेकंड डेफिनेशन एग्जाम्पल देखो। ओहो लड़की बहुत बहुत खुश है क्योंकि उसनू मेहनत दा फल मिल गया। देखो स्टूडेंट्स हुण इस दे विच ए दसो जे सोचा जावे अधीन वाक केड़ा है, देन स्टूडेंट्स इस दे विच जेड़ा अधीन वाक है ना ओहो आहा वाला है। ਉਹ ਲੜਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਹ ਅਧੀਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੈ ਆਹ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਨ ਵਾਕ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਆਹ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਣਤਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਾਕ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਕ। ਪਰ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਕ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ।
गुंजलदार वाक। स्टूडेंट सो आहा की समय गुंजलदार वाक। हाँ जी स्टूडेंट देखो गुंजलदार वाक की होंगे, जिस वाक विच एक तो वद किरियावां आ जान ते एक तो वद एक तो वद अधीन वाक प्रधान वाक दे नाल, एक तो वद अधीन वाक प्रधान वाक दे नाल प्रधान वाक दे नाल ते समान वाक समान वाक योजका दे नाल नाल जुड़न उसनू गुंजलदार वाक कहा जांदा है। देखो स्टूडेंट्स जेड़ा ए वाक है ना गुंजलदार वाक, ए वाला वाक है यह घट वाक आंदा है। ज्यादातर थोनू देखो आह दो वाक या तीन वाक आने साधारण मिश्रित ते संयुक्त, ज्यादातर थोनू आ तीन वाक आने आ गुंजलदार वाक है जेड़ा यह घट वाक आंदा है। हाँ जी देखो स्टूडेंट्स यह जेड़ा वाक है जिमें थोनू दस्या यह वाक घट आंदा है, तो ज़्यादातर थोनू थोड़े नज़रिए तो आह जेड़े तीन वाक पूछे जाते हैं। हम देखो ये आप एक एग्जाम्पल लिखते हैं, यह सच है कि देश दे लई कुर्बानियां करन दी लोड़ है, ते कुर्बानियां करना देश भगतां दा कम है, ते ओहो कुर्बानियां कुर्बानियां करदे रहन गे। एह सच है कि देश दे लई कुर्बानियां करन दी लोड़ है, ते ओह कुर्बान ते कुर्बानियां करना देश भगतां दा कम है, ते ओह कुर्बानियां करदे रहन गे। हाँ जी स्टूडेंट देखो एह सच है, देखो पहला तो आ वाक है यह यह जेड़ा प्रधान वाक है कि देश दे लई कुर्बानियां करन दी लोड़ है, यह अधीन वाक हो गया, ते कुर्बानियां करना देश भगतां दा काम है, कुर्बानियां करना देश भगतां दा काम है समान वाक है, ते कुर्बानियां करदे रहणगे ये भी। देखो स्टूडेंट्स इस दे विच तीनों चारों जेड़े सेंटेंस ने ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕੁਨੈਕਟਡ ਨੇ,
इस तरह के सेंटेंस नूं आ कहा जाता गुंजलदार वाक। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो साधारण वाक, मिश्रित वाक, संयुक्त वाक। ठीक है, देन आह है एक गुंजलदार वाक। जिहड़ा गुंजलदार वाक है स्टूडेंट्स, यह थोड़े लैवल तो भी कह लो जा यह जिहड़ा सेंटेंस है यह घट पुछया जाता वा वाक है थोड़े पेपर के लैवल से। आ तीन तरह के वाक है जिहड़े वह पुट कर ले जाते हैं, कई बारी तो स्टूडेंट थोड़े तो ना सीधी अगला एग्जामिनर ना पंजाबी वाक की तरतीब पूछ लेंदा है। देखो वो इदा लिख देगा, देखो स्टूडेंट्स आप एक दो हम प्रश्न करन लगे हैं पंजाबी विच वाक दी तरतीब लिखो, पंजाबी विच वाक दी तरतीब लिखो। देखो स्टूडेंट्स ऑप्शन एक ए कर्ता किरिया ते कर्म, बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स कर्ता कर्म देन किरिया। ठीक है, फिर थोड़े तो सी ऑप्शन कहने किरिया कर्ता ते कर्म, ते डी है स्टूडेंट्स कर्म कर्ता ते किरिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, पहला तो ना थोड़े तो इदा दे सिंपल प्रश्न भी पूछ लेने ले जाते हैं। हुण कई बार की है अपना जिहड़ा उपरों उपरों भी कह लो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ी जाने ते बेसिक कॉन्सैप्ट है जिहड़े वो छड्ड जाने ते एग्जामिनर बेसिक क्वेश्चन चो ही प्रश्न है जिहड़े बेसिक कॉन्सैप्ट है उन्हां च ही पुट कर लैंदा है। हुण तुहानूं पुछदा है पंजाबी वाक की तरतीब। हुण देखो पंजाबी वाक की तरतीब पहला तो आपां नूं पता होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स राम सेब खांदा है, देखो आता हो गया कर्ता, आ हो गया कर्म ते आ हो गया किरिया। इदां तां नहीं हैगा राम खांदा सेब, ठीक है, जा सेब राम खांदा है। देखो स्टूडेंट्स राम सेब खांदा है कर्ता कर्म ते किरिया। आ देखो आ लिखा पे अपने को पहला कर्ता किरिया ते कर्म ये नहीं हैगा, फिर कर्ता कर्म ते किरिया पे है। सेकंड स्टूडेंट्स आ ऑप्शन ठीक है, करता पहला आएगा फिर कर्म आएगा देन किरिया आ जाएगी। करता कर्म ते किरिया राम सेब खांदा है। ठीक है स्टूडेंट्स राम खांदा सेब, सेब राम खांदा, यही ना दी जेड़ी तरतीब है ना ये गलत है। ठीक है एक्चुअली सही उत्तर आह है। ठीक है स्टूडेंट्स हुण अगे देखो हाँ जी नेक्स्ट देखो यह है पंजाबी विच वाक किस दे मेल तो बन दा है। हाँ जी देखो वाक किसे मेल तो बनता है शब्दों दे, बी है धुनिया दे,
सी है अर्थां दे जा डी कह लो व्याकरण तो। देखो स्टूडेंट्स पूछ रहा है पंजाबी विच वाक किस दे मेल तो बनता है। हुण देखो पहला ऑप्शन है शब्दों के मेल तो, सैकेंड है धुनिया के मेल तो, थर्ड है अर्थां के मेल तो, दैन फोर्थ है व्याकरण तो। देखो स्टूडेंट्स इहदे विच कोई शक नहीं हैगा भी भाषा की सब तो छोटी इकाई है जिहड़ी उह धुनि है। मूँह दे विचों निकलन वालियां सार्थक आवाज़ां नूं आपां धुनिया कहने आ। धुनिया दे मेल तो शब्द बनता है, वाक नहीं बनता। पहला शब्द बनेंगे फिर शब्दों के मेल तो बनेगा वाक। आ देखो आ वाला जिहड़ा ऑप्शन है स्टूडेंट्स आह ऑप्शन ठीक हो जाएगा, शब्दों के मेल तो वाक बनता है। धुनिया के मेल तो शब्द बनते हैं तो शब्दों के मेल तो बनेगा वाक। ठीक है जी। फिर देखो भाषा दे स्वतंत्र इकाई केहड़ी है, भाषा दी स्वतंत्र इकाई केहड़ी है। हाँ जी देखो ऑप्शन है धुनि, बी शब्द, सी वाक, ते डी अर्थ। भाषा दी स्वतंत्र इकाई केड़ा है? धुनि, शब्द, वाक ते अर्थ। स्टूडेंट देखो धुनि भी इकाई है, भाषा दी शब्द भी इकाई है, वाक भी। ठीक है पर उरे स्टूडेंट स्वतंत्र इकाई की गल हो रही है तो आप वाक नू लावांगे, धुनि नू नहीं लावांगे। देखो बेशक एक प्रश्न यह भी है भाषा दी सब तो छोटी इकाई धुनि ते वड्डी इकाई वाक। देखो स्टूडेंट दोनों ही इकाइयां स्वतंत्र ने, ए भी ते ए भी तीनों, बट जो वड्डी इकाई होवे ना प्रश्न दे विच तां तुसीं वड्डे वल उत्तर लाना आह वल। ठीक है जी आ इस वल। हाँ जी देखो नैक्सट प्रश्न है जिस वाक विच दो समान जा समान जा समान उपवाक होन उसनू की कहा जाता है। हाँ जी स्टूडेंट्स ऑप्शन देखो साधारण वाक, बी मिश्रित वाक, सी संयुक्त वाक, ते डी गुंजलदार वाक। देन स्टूडेंट्स उत्तर आएगा अपना आह वाला संयुक्त वाक। ठीक है देखो संयुक्त वाक जदों मैं थोनू कराया उहदी डेफिनेशन की लिखवाई है जिस दे विच दो समान जां दो उपवाक होण उसनू आपां संयुक्त वाक कहने आ। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट है ओह अमीर भी है ते वधिया व्यक्ति भी है।
दसो किहड़ा वाक है, किहड़ा वाक है। देखो ए हैगा अपने कोल साधारण वाक, बी हैगा अपने कोल संयुक्त वाक, सी हैगा अपने कोल मिश्रित वाक, ते डी हैगा गुंजलदार वाक। हाँ जी स्टूडेंट्स, ओह अमीर भी है ते वधिया व्यक्ति भी है, दसो किहड़ा वाक है। स्टूडेंट्स देखो इहदे विच दो उपवाक ने, बट दोवें अपनी अपनी होंद बरकरार रखने ने। ओह अमीर भी है ते वधिया व्यक्ति भी है। दैन आ वाला जिहड़ा उत्तर है आह ठीक है, ना यह वाक है, ना यह वाक है, ना यह वाक है। इस तरह स्टूडेंट्स देखो ये जिहड़ा अज आपां वाक है बनतर दे आधार ते करिया, ठीक है। हजे आपां इहनूं कारज दे आधार ते करना है। कारज दे आधार ते इह छे तरह दा हुंदा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओह आपां नैक्सट क्लास दे विच करांगे, अज दी क्लास दे विच सिर्फ इन्ना कही। देखो स्टूडेंट्स वाक आपां कर लिया, तुसीं समझ भी लिया, पर जदों तक तुसीं इहदी प्रैक्टिस नहीं ना करोगे उदों तक ये चीज़ तुहानूं समझ आउण वाली नहीं हैगी। इहदे लई प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तुहानूं जिन्नी तुसीं वध तों वध प्रैक्टिस करोगे ना उन्ने तुहाडे जिहड़े कॉन्सैप्ट क्लीयर होणगे। स्टूडेंट्स इस दे विचों एक क्वेश्चन तां तकरीबन हर साल आंदा ही आंदा हैगा, इहदे चों प्रश्न है जिहड़ा उह पुछिया ही जांदा। तुहानूं वाक दी किस्म ही पुछ ली जांदी है वी किहड़ा संयुक्त वाक है, स्वतंत्र वाक है, कि साधारण वाक है। स्टूडेंट इस तरह के जिहड़े प्रश्न है एग्जामीनर तुहाडे तों पुट करदा, ठीक है। उम्मीद है तुहानू अज दी क्लास वधिया लगी होएगी ते कॉन्सैप्ट जिहड़े उह सारे तुहानू समझ आए होणगे, ठीक है स्टूडेंट्स। भी नैक्सट जिहड़ा आपां कारज दे आधार ते इक नैक्सट क्लास दे विच आपां करांगे, अज जिहड़ा आपां बनतर दे आधार ते करिया सी, ठीक है। देखो मेन तीन तरह का होंदा, साधारण वाक, मिश्रित वाक ते संयुक्त वाक, ठीक है। बट कई बार फोर्थ किस्म का गुंजलदार वाक भी पूछ लिया जाता, पर थोड़े लैवल ते ज़्यादातर तीन किस्म का ही पूछा जाता। आही वाला देखो साधारण वाक, साधारण मिश्रित ते संयुक्त। स्टूडेंट्स देखो आ वाला तो तुसी ईजीली कर लेने हो, थोड़े जिहड़ा कन्फ्यूजन का कारण है वह आ दो वाक बनते हैं। इन दोहां वाकां दे उत्ते डीपली मेहनत करन दी लोड़ है। देखो कॉन्सैप्ट समझ आ गया, वधिया गल है, बट जदों तक यह इहदियां 5 7 8 8 10 10 एग्जाम्पल आप नहीं ना करोगे उदों तक यह थोनू पॉइंट चंगी तरह क्लीयर नहीं होगा। एक बारी इहदे नाल दियां एग्जाम्पल्स होर करो, आपां नैक्सट जिहड़ी वीडियो लैके आवांगे, नैक्सट क्लास लगावांगे थोड़ी, उहदे विच स्टूडेंट्स एक तां तुहानूं कारज दे आधार ते कराया जाऊगा, ते एक मैं तुहाडे लई स्पैशल क्लास लगानी है जिहड़ी वाक दे उत्ते होऊगी, ठीक है। उहदे विच वाक दे टाइप्स कराईआं जाणगीआं, वध तों वध कराईआं जाणगीआं, ते तुहाडे जिहड़े कॉन्सैप्ट आ होर चंगी तरह क्लीयर उह कीते जाणगे। उम्मीद है तुहानूं अज दी क्लास वधिया लगी होएगी, सारे कॉन्सैप्ट समझ आ गए होणगे। थैंक यू वॉचिंग बंसल अकैडमी क्लासेस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।